Shankub, namaste and good day to everyone. Welcome to my YouTube channel. And today our topic is Walking Dead. Walking Dead को पढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि ऑलरेडी कैनसोलॉजी की सीरीज हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसके अराउंड अबाउट 10 से 15 एपिसोड्स ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोडेड हैं। तो अगर उन प्रीवियस लेक्चर्स में से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, अगर अदरवाइज कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आप लोग चाहते हो मैं उनके ऊपर बात करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं, या मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, या वो अपनी प्रेजेंटेशन मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। व्हाट इज वॉकिंग एट, व्हाट वॉकिंग एट है क्या, तो मैं पहले आपको इस वीडियो के कंटेंट बताता दिखाता चलूँ। वॉकिंग क्या है, वॉकिंग की डेफिनेशन, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं, गेट साइकिल क्या है, वॉकिंग एड्स खुद क्या है, पर्पस क्या है वॉकिंग एड्स का, मतलब उनकी एप्लीकेशन क्लिनिकल क्या है, डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से वॉकिंग एड की टाइप्स हैं, वराइटीज हैं, और सेलेक्ट कैसे किया जाता है, मतलब कौन सा कहाँ पे सेलेक्ट करते हैं उसको हम थोड़ा बोल देंगे। बिफोर दैट वॉकिंग, वॉकिंग इज अ मैनर इन विच वे यू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ योर फीट, आमतौर पे चलना, राइट, विथ योर फीट बाय, जब हम पैरों के बल चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, दैट इज सिंपली वॉकिंग। इट्स अ मूवमेंट एट अ रेगुलर एंड फेयरली लो पेस बाय लिफ्टिंग एंड सेटिंग डाउन ईच फुट एंड इन टर्न नेवर हैविंग बोथ फीट ऑफ द ग्राउंड एट वंस। इट मीन्स कि एक कदम हमने डेफिनेटली रखना होता है, जब हम वन बाय वन करके चलते हैं तो दोनों फीट हमारे ऑफ द ग्राउंड नहीं होंगे, क्योंकि अगर दोनों फीट हमारे ऑफ द ग्राउंड है तो वो वॉकिंग नहीं रहेगी। लेट सपोज दोनों फीट ऑफ द ग्राउंड हैंगिंग में हो सकते हैं, जंपिंग में हो सकते हैं, तो वो वॉकिंग नहीं कहलाएगी। अगर आपने वॉक ही करनी है तो डेफिनेटली ड्यूरिंग, जब आप वॉक करते हो तो एक कदम आपका जमीन से कम एक कदम कॉन्टेक्ट में हो, एक पैर हो, अदरवाइज दोनों होते हैं, तो जब आप वॉक करते हो तो डेफिनेटली एक कदम आपका ऑफ द ग्राउंड होगा, एक ऑन द ग्राउंड होगा, इस तरह करके यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, अदरवाइज यू वुड बी इन स्टैंडिंग पोजिशन इफ यू आर नॉट यूजिंग, इफ यू आर नॉट वॉकिंग इन शॉर्ट। और अगर दोनों ऑफ द ग्राउंड होंगे तो एक अलग कंडीशन है, राइट। एंड इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटर कंट्रोल, मोटर कंट्रोल स्किल्स की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उनमें से ये हाईएस्ट इस सेंस में है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दरकार होती है। आप देखें, आपका कोऑर्डिनेशन दरकार होता है, जब आप अपना राइट पैर आगे रखते हो तो आपका लेफ्ट हाथ आगे आ जाता है, जब लेफ्ट पैर आगे रखते हो राइट फुट आगे आ जाता है, आपका पेल्विस रोटेट करता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके लेग के साथ साथ आपका पेल्विस भी मूव कर रहा होता है, रोटेशन भी हो रही होती है, तो डेफिनेटली इट्स बेसिकली है कोऑर्डिनेशन। मेजर रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल वॉकिंग से मुराद की मेजर रिक्वायरमेंट एक फॉर अ गुड वॉकिंग, मतलब जिसको जज करके आप जिसको देख के आप जज करते हो कि यार इसका पोस्चर नॉर्मल है या ठीक है, या एक नॉर्मल वॉक पर्सन के लिए क्या क्या चीजें दरकार हो, सपोर्ट ऑफ अ बॉडी मास, डेफिनेटली बॉडी मास अगर इक्वल होगा बाय लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों के ऊपर इक्वली होगा तो ही आप वॉक कर सकोगे प्रॉपर वॉक के लिए। लेट सपोज अगर किसी के एक टांग में चोट है या एम्प्यूटेड लेगा, लेट सपोज वॉक तो वो भी करेगा, लेकिन वो उसका बॉडी मास इक्वल डिवाइडेड नहीं हो सकेगा, राइट। या वहां पे वो कोई ऑर्थो प्रोस्थेटिक लेग यूज कर रहा है तो भी एक अलग कंडीशन है। प्रोडक्शन ऑफ लोकोमोटर्स रिदम, जितने भी लोकोमोटर रिदम से मुराद की जो आपका पोस्टरल रिफ्लेक्स है, लेट सपोज वो हमें हेल्प आउट करता है, आपकी कोऑर्डिनेशन, आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इनका भी नॉर्मल होना लाजिम है। डायनामिक बैलेंस कंट्रोल, लेट सपोज एक मूविंग बॉडी होती है और एकदम से अगर रुक जाओ, या जब आप बॉडी मूव कर रहे हो तो आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैलेंस हमारे पास एक स्टैटिक बैलेंस होता है जो पोस्चर मेंटेन कर, जब आप खड़े भी होते हो ना तो भी बहुत सारे रिफ्लेक्सेस काम करके उस पोस्चर को बनाने में हेल्प करते हैं, जिसको आप नॉर्मली राइटिंग पोस्चरल रिफ्लेक्स कह रहे होते हो, लेकिन उसी तरह डायनेमिक बैलेंस भी जो है बॉडी का बहुत जरूरी होता है। और फाइनली फाइनली द प्रोपल्शन, प्रोपल्शन मतलब आगे की तरफ बढ़ना, जिधर आपने बढ़ना है, ऐसा तो नहीं है कि आप राइट साइड बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और आपके पैर लेफ्ट साइड जा रहे हो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो ब्रेन को जो इंस्ट्रक्शन या कोऑर्डिनेशन दी जाती है, दैट इज अकॉर्डिंगली टू मूव टू वॉक इन द डिजायर्ड या इंटेंडेड डायरेक्शन। बेसिक टर्म में एम्बुलेशन, एम्बुलेशन वॉकिंग की तरह ही वर्ड यूज होता है, टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अदर या सिंपली टू मूव, बेसिकली इट्स अ टेक्निक ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव, बट एम्बुलेटेड वर्ड अमूमन यूज किया जाता है, एम्बुलेट लाइक एम्बुलेंस से भी, एम्बुलेंस भी इसी से निकला हुआ, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, जिस तरह पेशेंट को पहले हमने मूव एम्बुलेट कराना सीख, तो वहां पे ज्यादातर एम्बुलेशन, वहां पे आप वॉकिंग वर्ड यूज नहीं करोगे, वॉकिंग वर्ड इज ऑफनली यूज फॉर द नॉर्मल पर्सन एंड एम्बुलेशन इज ऑफन रिलेटेड टू द पेशेंट्स, क्योंकि अगर पेशेंट को थोड़ी सी भी चोट लग गई तो डेफिनेटली ही इज नॉट नॉर्मल, नॉर्मल नहीं होगा तो डॉक्टर के पास जाता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जब हम पेशेंट को एम्बुलेट करा रहे होते हैं, मूव करा रहे होते हैं, तो वहां पे मूव का वर्ड एम्बुलेट वर्ड यूज होता है। लेट सपोज हम उनको कमांड दे रहे होते हैं कि अगर वो लाइंग में है तो लाइंग से वो कैसे सिटिंग में आए या कैसे करवट ले, फिर लाइंग से सिटिंग में, सिटिंग से स्टैंड में, स्टैंड से वॉक, तो वहां पे हम एम्बुलेशन वर्ड यूज करते हैं। समटाइम इट इज ऑल्सो यूज इन प्लेस ऑफ द वॉकिंग, बट बेसिकली इन केस ऑफ द पेशेंट द वर्ड एम्बुलेशन इज यूज, इन केस ऑफ द नॉर्मल पर्सन द मूवमेंट कैन बी कॉल्ड एज वॉकिंग। देन गेट, अब जब हम वॉक करते हैं
या पेशेंट एम्बुलेट करता है तो एक बेसिकली एक पैटर्न होता है। हम ह्यूमन बींग लोकोमोशन की अगर हम बात करें, पैटर्न से मुराद की गेट साइकिल एक होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चलने का जो पैटर्न है, द वे ऑफ वॉकिंग, द पैटर्न ऑफ वॉकिंग, द सीक्वेंसेस ऑफ द मूवमेंट जो कि हो रही है, दैट इज कॉल्ड द गेट। तो गेट इज सिंपली कॉल्ड पैटर्न ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका। जो भी चलने का पैटर्न हम इख्तियार करते हैं, एबनॉर्मल पेशेंट भी तो चलते हैं, वो भी गेट कहलाता है, लेकिन वो एबनॉर्मल गेट कहलाता है। मिसाल के तौर पे सीपी का पेशेंट, सीपी का बच्चा अगर वॉक करता है, वो भी वॉक करता है, पार्किंसन का भी वॉक करता है, लेकिन वो नॉर्मल गेट नहीं कहलाएगा, वो हमेशा एबनॉर्मल गेट कहलाएगा। ठीक है, तो गेट इज सिंपली द पैटर्न ऑफ वॉकिंग। उसके बाद गेट साइकिल। अब साइकिल का मतलब क्या होता है कि एक चीज जहां से आप शुरू करो वहां पे खत्म करो, तो वो साइकिल। साइकिल का जब हम पेडल लगाते हैं लेट सपोज, तो वो एक साइकिल एक जगह से आपने हिट किया, वहीं पे जब दोबारा आते हो तो एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो साइकिल एनीथिंग दैट रिपीट्स इट्स इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल एंड देन बैक टू द इनिशियल। तो अब ये गेट साइकिल है, तो चलने का तरीका जो है, जब वो साइकिल इख्तियार करता है तो उसको गेट साइकिल या वॉकिंग साइकिल कहा जाता है। आई वुड एक्सप्लेन, गेट मतलब आमतौर पे पैटर्न ऑफ वॉकिंग हमने कह लिया, लेकिन जब हम आमतौर पे चल रहे होते हैं तो कुछ स्टेप्स, कुछ फेजेस होते हैं। एक होता है स्टांस फेज, एक होता है स्विंग फेज, पर इनके भी फर्दर मोर 8 सब स्टेजेस हैं, लेकिन हम मेन 2 स्टेजेस। तो जब आपने पैर जमीन पर रखा, आपका गेट, आपका जो वॉकिंग का पैटर्न था वो स्टार्ट हो गया, जो साइकिल थी स्टार्ट होगी। जब वहां से उठाकर जितने भी स्टेप्स, देयर आर 8 सब स्टेजेस बेसिकली, जब आप एक पैर, राइट पैर रखते हो तो उसको हील स्ट्राइक, क्योंकि आप, आपकी जो एड़ी है, हील है, वो कांटेक्ट में आती है, इसीलिए हील स्ट्राइक। और जब आप वही पैर उठा के जब दोबारा रखोगे, अगेन हील स्ट्राइक जब आप करते हो, वो एक गेट साइकिल कहलाती है। सेम फुट मतलब राइट हील स्ट्राइक टू राइट हील स्ट्राइक इज द वन गेट साइकिल, एंड लेफ्ट हील स्ट्राइक टू लेफ्ट हील स्ट्राइक इज कॉल्ड द अनदर गेट साइकिल। तो 2 गेट साइकिल बेसिकली होती है, लेकिन गेट साइकिल का मकसद, जब आप जहां से आपने एड़ी पैर कॉन्टेक्ट ग्राउंड से हुआ और जब तक वो दोबारा कांटेक्ट में नहीं आता, आपकी उसी पैर की गेट साइकिल कंप्लीट नहीं होती। तो व्हेन अ सब्जेक्ट इज वॉकिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे कोई बंदा वॉक कर रहा होता है, द मूवमेंट लोअर लिम की कुछ इस तरह होती है कि एक पैर आपका स्विंग में होता है और एक स्टांस में। एक गेट साइकिल में 2 फेजेस होते हैं। गेट साइकिल के ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें अगेन एंड अगेन गेट साइकिल हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम वॉकिंग एट को पढ़ने वाले हैं। स्विंग फेज मतलब जमीन से जब आपका ऑफ द ग्राउंड पैर हो, और स्टांस फेज जब जमीन से कॉन्टेक्ट में हो। तो व्हेन द फुट इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड दैट इज द स्टांस, एंड व्हेन गुड फुट इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड दैट इज द स्विंग फेज, राइट। ये दोनों फेज जब मिलेंगे तो एक गेट साइकिल कंप्लीट होगी। अब हम आ जाते हैं वॉकिंग एड्स की तरफ। वॉकिंग एड क्या है? एड्स को याद रखने के लिए आप AID नहीं, ADD वाला एड याद रखो, याद रखने के लिए। मैं अगर तरीका हिंट दे रहा हूँ बेसिकली, तो वॉकिंग एड की डेफिनेशन लाइन सही है, स्पेलिंग सही है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। एड मतलब किसी चीज में कोई चीज लगाना, सपोर्ट करना। तो वॉकिंग एड हर वो चीज जो आपकी वॉकिंग में हेल्प करे, एडअप करे, सपोर्ट करे, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ वॉकिंग एड। कैसे? वॉकिंग एड इज अ डिवाइस बेसिकली इज डिजाइन टू असिस्ट द वॉकिंग, जो आपकी वॉकिंग को है। अब ये एक चीज क्लियर है कि नॉर्मल पर्सन वॉकिंग एड नॉर्मली नहीं यूज करता, किसी न किसी वजह से यूज करता है। लेट्स सपोज ओल्ड एज पेशेंट है, वो यूज कर रहा है, किसी को फ्रैक्चर होता है तो वो यूज करता है सपोर्ट के तौर पे, कोई पैरालिसिस में यूज करता है, वो अलग चीज है। लेकिन वो किस कंडीशन के लिए यूज करता है? अपनी वॉकिंग को सपोर्ट देने के लिए, बढ़ाने के लिए। इसीलिए वॉकिंग एड एनीथिंग दैट एड सपोर्ट टू द वॉकिंग, इन शॉर्ट याद रखने का तरीका। सो वॉकिंग एड इज अ डिवाइस दैट इज डिजाइन टू असिस्ट द वॉकिंग एंड इम्प्रूव द मोबिलिटी। डेफिनेटली मोबिलिटी करने के लिए वो वॉक करता है जिसको डिफिकल्टी हो रही है वॉकिंग में, और वो इंडिपेंडेंटली वॉक नहीं कर सकता वैसे। तो जो पेशेंट इंडिपेंडेंटली वॉक नहीं कर सकते, उनको वॉकिंग कराने के लिए हम डिफरेंट सपोर्ट्स एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, डिफरेंट सपोर्टिंग डिवाइसेस देते हैं, और उन डिवाइसेस को वॉकिंग एड कहा जाता है। पर्पस क्या है? इंक्रीज द एरिया ऑफ सपोर्ट या बेस ऑफ सपोर्ट। मिसाल कि हम किसी को भी, जब हम बेस ऑफ सपोर्ट क्या है, द एरिया बीनीथ द, जिस सरफेस पे आप खड़े होते हो, बैठे होते हो, जो जितना सरफेस एरिया आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट एरिया फॉर यू इज द बेस ऑफ सपोर्ट। मिसाल के तौर पे जब हम खड़े होते हैं तो दोनों टांगों के बल खड़े होते हैं, दोनों टांगों ने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया, दैट इज द बेस ऑफ सपोर्ट। अब एक बंदा है जो सिंपली खड़ा नहीं हो सकता, या उसको प्रॉब्लम है, पार्किंसन का पेशेंट है, वो आगे की तरफ जब झुकता है, या ओल्ड एज पेशेंट, उसने एक स्टिक यूज की हुई अपने वॉकिंग एड के साथ। तो जब उसने स्टिक रखी, अब उसकी इनडायरेक्टली 3 टांगे होंगी, राइट। तो उन 3 टांगों ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया, दैट वुड बी हिज आर हर बेस ऑफ सपोर्ट। हम 2 टांगों पे खड़े तो हमारा वो बेस ऑफ सपोर्ट होगा। तो बेस ऑफ सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी हम यूज करते हैं। मेंटेन द COG ओवर द सपोर्टेड एरिया। मिसाल अब यही पार्किंसन का पेशेंट है जो आगे की तरफ झुका हुआ है, मिसाल। तो जाहिर सी बात है, ये जब चलेगा तो ग्रेविटी इसको मजीद पुल करेगी। इसके लिए इसका नॉर्मल तौर पे COG, जो बंदा आगे की तरफ झुका हुआ, उसका वैसे ही COG थोड़ा सा आगे की तरफ होगा। अगर ये मजीद सपोर्ट नहीं यूज करेगा तो गिरने के चांसेस होते हैं।
वो क्या करता है, या तो वॉकिंग फ्रेम यूज करता है या कोई भी चीज, तो सपोर्ट अपना सीओजी मेंटेन करने के लिए भी वो यूज कर सकते हैं। रिडिस्ट्रीब्यूट द वेट बियरिंग एरिया, अगेन वही बात है। मिसाल एक बंदा है जिसको एम्पिट्यूड लेग लगी है, जिसको फ्रैक्चर हुआ, एंकल स्प्रेन हुआ, वॉट एवर ना, अब वो नॉर्मली इसके ऊपर वेट इक्वल नहीं दे सकता। अगर नॉर्मल वेट इक्वल नहीं देगा तो इक्वल नॉर्मल गेट साइकिल नहीं होगी। वो क्या करता है, स्टिक या कोई चीज सपोर्ट के तौर पे यूज करता है। मिसाल उसने क्या किया, रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया वेट बेयरिंग एरिया को। अब वो क्या करेगा, पहले राइट पैर नॉर्मल वाला रखेगा, फिर जब अफेक्टेड रखता है तो उसकी जगह पे वो क्रच या वॉकिंग एड यूज करेगा। तो उसने क्या किया, अपना फोर्स, वेट बेयरिंग फोर्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैन बी कंपनसेट फॉर द वीक मसल, ओल्ड एज पेशेंट है, बस मसल्स वीक है, लेट सपोज वो प्रॉपरली नहीं वेट कर सकता, वॉक नहीं कर सकता, तो ही आर शी कैन यूज डिक्रीज पेन, बैलेंस इंप्रूव और प्रोप्रियोसेप्शन, जॉइंट पोजिशन इंप्रूव कर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉकिंग हेड है, लेकिन आज हम सिर्फ क्रच पढ़ेंगे। आपके सामने वॉकर है, स्टिक है और क्रच है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन सिर्फ क्रच के ऊपर है, ठीक है। सिलेक्शन, सिलेक्शन होती है स्टेबिलिटी ऑफ पेशेंट के अकॉर्डिंगली। पेशेंट को स्टेबिलिटी, पेशेंट कितना स्टेबल है और पेशेंट को स्टेबिलिटी कौन सी चाहिए। लेट सपोज किसी को लेटरल पेल्विक शिफ्ट है, तो वो एक तरफ से ड्रॉप हो रहा होगा, तो हमने उसी साइड उसकी सिलेक्शन, जो हम दोनों तरफ से सपोर्ट नहीं देंगे, एक तरफ से सपोर्ट दें, इस तरह करके। स्ट्रेंथ ऑफ अपर एंड लोअर लिम, एक बंदा पैरालाइज है, उसकी लोअर लिम खत्म है, लेकिन उसकी अपर लिम भी वीक है, तो वो वॉकर या वॉकिंग फ्रेम पकड़ेगा कहाँ से, लेट सपोज। तो यहाँ पे भी हम चेक करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या क्या है, नॉर्मल होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम, डेफिनेटली न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन या अपर एंड लोअर लिम का कोऑर्डिनेशन, पैरालाइज तो नहीं है बिल्कुल। एंड द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ रिलीफ फ्रॉम वेट बेयरिंग, या समटाइम कितना जो है वो रिक्वायर्ड है डिग्री ऑफ रिलीफ फ्रॉम द वेट बेयरिंग से, उसके हिसाब से भी हम चूज करते हैं। ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल है पैरेलल बार्स। रिजिड बार्स होती हैं, सपोर्ट करती हैं थ्रू लेंथ ऑफ द बार, जो लेंथ ऑफ द बार नॉर्मली हम गेट साइकिल को इम्प्रूव करने के लिए, एज यू कैन सी द पिक्चर, हम इस पर मिरर थेरेपी कराते हैं, सामने मिरर रखा होता है, तो ये भी आपकी वॉक में बेसिकली सपोर्ट ही दे रहा है, तो ये वॉकिंग एड ही कहलाएगा इनडायरेक्ट। एनेबल पेशेंट टू कंसंट्रेट ऑन द लोअर लिम, आप सामने पोस्टर मिरर रख लो और अपर एक्सट्रीमिटी के अपर बार, जो बार है रॉड बार है, उनको तो उन्होंने बाजू से पकड़ लिया, अब इनकी अपर एक्सट्रीमिटी लॉक हो गई, इनशाइड अब इसको गिरने का चांस नहीं है। नाउ ही आर शी कैन यूज द लोअर लिम फॉर द एम्बुलेशन, फॉर द मूवमेंट बेसिकली, राइट। अब मिरर इज प्लेस, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। और एडजस्टमेंट जो होती है वो अकॉर्डिंग ग्रेटर ट्रोकेंटर के हिसाब से, हाइट की जो लेंथ बार है इनकी हाइट की एडजस्टमेंट। थैंक सो मच। सो दिस वॉज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ वॉकिंग एड, की वॉकिंग एड बेसिकली खुद क्या है। मजीद वॉकिंग एड जितने भी हैं, क्रचेस हो गए आपके, स्टिक्स हो गई, वॉकिंग फ्रेम्स हो गए, लेट्स सपोज उनके ऊपर हम अलग से डिटेल में जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में बना। थैंक यू सो मच, टिल देन कीप वॉचिंग। ऑडियो जंगल।